नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों दिल्ली पुलिस का आपका जो है हेड कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है दोस्तों। 13 अक्टूबर को दोस्तों जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, टापू नृत्य जो है किस राज्य में है, तो दोस्तों इसको मतलब किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों इसको अगर आप देखेंगे तो कई आपको असम भी मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश भी, अरुणाचल प्रदेश भी, तो कई ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, टाटा कंपनी की स्थापना कब हुई थी आपका, 1868 में। 1868 में दोस्तों जो है टाटा कंपनी की स्थापना हुई थी, जमशेदपुर जानते हैं आप। नेक्स्ट बात करेंगे, सिग्मो जो त्यौहार है या फिर पर्व है ये किससे संबंधित है। दोस्तों तो यहाँ पर पर्व त्यौहार वाला काफ़ी आ रहा है, यहाँ पर मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा जो भी त्यौहार हैं पर्व हैं कैसे किसी से रिलेटेड है या फिर ऑप्शन से कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिग्मो में देखेंगे ना तो यहाँ पर लास्ट में आपका बीच में आपका ग दिया है, ग से आप जो है गोवा याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे मैंने कोरिलेशन के थ्रू बहुत अधिक जो है यहाँ पर करा रखा है जो भी पर्व हैं, तो यहाँ पर हो जाए सिग्मो गोवा का जो है त्यौहार हो जाएगा या फिर जो है पर्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आरबीआई के संस्थापक दोस्तों मतलब कौन है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर ओसबर्न स्मिथ। सर ओसबर्न स्मिथ हैं, 1935 आप सभी लोग जानते ही हैं आरबीआई का, तो यहाँ पर हो जाएगा सर ओसबर्न स्मिथ आरबीआई के संस्थापक। नेक्स्ट बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक थी, तो यहाँ पर केरल ही हमेशा राइट आंसर होता है। आप जानते भी हैं केरल वाले इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे करके आप एक दिमाग में ऐसे ट्रिक बैठा सकते हैं, ठीक है, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भगत सिंह और उनके साथियों को किस कारण फांसी दी गई, लाहौर षड्यंत्र के कारण उन्होंने दोस्तों जो मतलब किसी को मारा, मतलब उस तरह बम नहीं फेंका था लेकिन फिर भी खालिस्तान पे फेंका था, और भी कुछ कारण है जो कि उन्होंने अपने स्वतंत्रता के लिए या फिर अंग्रेजों को डराने के लिए और सबके लिए काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र के कारण जो है इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, M1, M2 और M3 में सबसे उच्चतम मुद्रा कौन सी है, दोस्तों M3 आपकी सबसे जो है उच्चतम मुद्रा हो जाएगी, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मैंने बता रखा था ग्रुप डी वाले एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संस्थापक को श्रेय मतलब किसको श्रेय दिया जाता है, ऐसे लिखना चाहिए था, किसे दिया जाता है, तो संस्थापक का जो श्रेय दिया जाता है वो PC महानलोबिस को दिया जाता है। ये भी मैंने आपको ट्रिक के हिसाब से याद करवाया, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब से लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही होगा कि जो है किसको श्रेय दिया जाता है या किसका मॉडल है, यही क्वेश्चन है, बस इसी को इधर उधर घुमा दिया गया। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना का मैं लास्ट में वीडियो में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा जब वीडियो खत्म होगा तो, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे याद करवाया है कि दू को आप अगर पू लिखेंगे, दू को जब आप पू लिखेंगे तो मैं क्या कहूँगा, महान आदमी हो तुम, तो देखिए प्रोफेसर PC जो यहाँ पर महान लोबिस हो जाएगा, तो ऐसे मैंने ट्रिक के हिसाब से याद करवा रखा है, लास्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, तो शावक कहते हैं। शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, शावक कहते हैं दोस्तों। तो देखिए इससे ये पता चला कि हाथी के बच्चे को, घोड़े के बच्चे को, गाय के बच्चे को, तो ये सब आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कथकली नृत्य कहाँ का है, कथकली दोस्तों केरल का है और एक कथक होता है, बहुत कन्फ्यूजन है, अभी बताते कन्फ्यूजन कैसे सही होगा। देखिए नृत्य भी मैंने बना रखा है वो देख लीजिएगा, साथ ही साथ पर्व भी देख लीजिएगा, अब इसको देखिए कैसे कन्फ्यूजन हटता है। देखिए जब केरल होता है ना, केरल को आपका क्या करेला रखेंगे, ठीक है, ये तो कोरिलेशन बन जाएगा, करेला में ही कली बनता है, फूल बनता है, कली बनता है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है कथक कली जब रहेगा तो केरल हो जाएगा, कथक खाली रहेगा तो क्या होगा, UP का आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे बोलते हैं, तनी पान में तनी कत्था लगा दिया हो, कत्था लगा दिया, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Enter, नया फाइल खोलने के लिए Ctrl+Enter है शॉर्टकट की। नेक्स्ट बात करेंगे, खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना है, तो नागर शैली मतलब कहते हैं इनको, ठीक है, नागर शैली चंदेल राजवंश का है और 950 से आपका 1050 ईस्वी के बीच ये बना है, ठीक है, चंदेल राजवंश द्वारा बना है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2021 में BWF यानी ब्रॉन्ज जो है मेडल आपका किसने जीता है, दोस्तों ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो ऑप्शंस में से दिया था, की दाम्बी जो है श्रीकांत ने जीता है, ठीक है, की दाम्बी ने दोस्तों जीता है ब्रॉन्ज मेडल BWF का। नेक्स्ट बात करेंगे, सुशील चंद्रा किस नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त वे मतलब कौन थे, नंबर के थे दोस्तों 24वें थे और 25वां कौन बना है, राजीव कुमार जी जो है 25वें बने हैं, तो अभी जो है 25वें हैं, 24वें सुशील चंद्रा जी थे, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त।
वनों का संरक्षण संविधान के मतलब संविधान में किसके अंतर्गत आता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर 51 का ए का जी ही होगा, यानी कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए। ठीक है, ये सब पूछने का अलग अलग तरीका है, बताए सब उल्टा सीधा है। नेक्स्ट बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्राकृतिक पर्यावरण दोस्तों जो है ये आपका 51 का ए का है, मतलब ये जो है आपका क्या है, ये है आपका कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये क्या है, भाग जो है आपका, भाग जो है ये 4 का ए है। ठीक है, तो ये आपका 51 का ए हो जाएगा और उसका जी है ये। ठीक है, पर्यावरण जो है से रिलेटेड जो पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे एमएस वर्ड में न्यू जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है। ये दोस्तों जो है आपका कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा ब्लैंक पेज ले रहे हैं डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। ठीक है, शॉर्टकट की है। नेक्स्ट बात करेंगे बाबर तथा मेदिनी राय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। ठीक है, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और बाबर ने तोप से और इत्यादि से मेदिनी राय को हरा दिया। नेक्स्ट बात करेंगे इंग्लिश रीजनिंग और मैथ के कौन कौन से टॉपिक से कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंग्लिश से दोस्तों आरसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंटोनिम सिनोनिम से, यानी कि जो भी आपका आरसी मतलब रेडी कॉम्प्रिहेंशन होता है जो पैराग्राफ टाइप का दिया रहता है, और आपका एंटोनिम सिनोनिम मतलब पर्यायवाची और जो आपका विलोम हो जाएगा, इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर वन वर्ड पूछा जा रहा है, आपका एक्टिव पैसिव पूछा जा रहा है, पैसिव वाइज बनाने के लिए देगा या फिर एक्टिव वाइज। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रामर जो ग्रामर से रिलेटेड इरर होते हैं, गलतियाँ होती हैं, ग्रामेटिकल इरर, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपका क्लोज टेस्ट पूछा जा रहा है 5 क्वेश्चन के आसपास, और विकैप से दोस्तों लगभग 7 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चंस कहाँ से, पजल बन रहे हैं, आपका नंबर सीरीज बन रहा है, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध जो होता है ये पूछा जा रहा है, सिलॉग दोस्तों पूछा जा रहा है, तो यूपीएसआई सिलॉग या फिर तर्क जो भी आप लिखते हैं, कथन निष्कर्ष जो है ये आपको मैंने यूपीएसआई लेवल का करा रखा है, बैंकिंग लेवल का, इसको देख लीजिएगा। कैलेंडर, कैलेंडर का मैंने एक ही ट्रिक दिया, उससे कोई भी डेट निकल जाती है तुरंत, तो कैलेंडर देखो सीखो स्टडी सर्च कर लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन आपका एक ही दो ट्रिक कर सीख लेंगे ना, कोई भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्लॉक और सीटिंग, सीटिंग में दोस्तों आप बैठक व्यवस्था जो गोल मती है इसको देख लीजिएगा, लीनियर देख लीजिए लाइन में जो बैठक व्यवस्था होती है, साथ साथ जो आपका ऐसे लाइन में बैठक व्यवस्था होती है या फिर बिल्डिंग वाला कह लें या फिर आप इधर सब कुछ आप करके जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा करने में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वेन डायग्राम आ रहा है, वेन डायग्राम भी मैंने यूपीएसआई लेवल का यहाँ पर करा रखा है, तो वेन डायग्राम सर्च करके देखो सीखो स्टडी लिख देना है। नेक्स्ट बात करेंगे फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग भी मैंने काफ़ी करा रखा है, फिगर काउंटिंग यूपीएसआई लिख लिखे या फिर आप जो है फिगर काउंटिंग लिख सकते हैं, देखो सीखो स्टडी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें कोडिंग डिकोडिंग के भी मैं कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, कोडिंग डिकोडिंग में किसी का कोड कर देता है, आगे आपका इसके अनुसार फिर कोड करना होता है, क्या इसका आंसर आएगा ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट बात करें मैथ में, मैथ में दोस्तों 5 जो है एडवांस के लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अर्थमेटिक के लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास, तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं SI CI के 3 क्वेश्चन के लगभग पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज के 2, शंकु बेलन 3D वाले जो 2D वाले होते हैं इनसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। क्रय विक्रय दोस्तों यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, मतलब सेलिंग किया, खरीदा, कितने में खरीदा, कितने में खरीदा, कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, ये जो क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आपको बात करें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, जो सरलीकरण होता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है, DI से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सभी टॉपिक से जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों 13 अक्टूबर को जो है फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो है दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पूछे हुए क्वेश्चन यही है। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे आ रहे टिक्स को देख करके जाइए, इनसे क्वेश्चन फंसने के चांस है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।